सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई प्रयागराज में पंडित कन्हैयालाल मिश्र की स्मृति में शनिवार को बोलते हुए कहा कि पंडित कन्हैयालाल मिश्र एक ऐसे महान वकील थे जिनका समाज के हर क्षेत्र के लोगों में पकड़ थी। वकालत के क्षेत्र में देश में उनकी एक अलग पहचान थी। कानून के क्षेत्र में उनके ज्ञान और वाक्पटुता का लोग लोहा मानते थे। रंजन गोगोई अयोध्या मंदिर निर्माण के पक्ष में अहम निर्णय देने वाले राज्यसभा सांसद और पंडित कन्हैयालाल मिश्रा मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष हैं। कन्हैयालाल मिश्र की याद में बनाई गई कमेटी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पंडित कन्हैयालाल मिश्र के बारे में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। पंडित कन्हैयालाल मिश्र अपने समय में देश के बड़े वकील थे। वर्ष 1955 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वो यूपी में लगातार 17 वर्षों तक एडवोकेट जनरल पद पर रहे। ज्ञात हो कि पंडित कन्हैयालाल मिश्रा स्मारक समिति का गठन वर्ष 2003 में उनके शताब्दी वर्ष समारोह को मनाने के लिए महान न्यायविद और पूर्व उच्चायुक्त यूके और पूर्व संसद सदस्य डॉक्टर एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। वर्ष 2004 अप्रैल माह में समिति और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक समारोह का आयोजन किया था, जिसमें भारत के 5 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के अलावा भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति सोली सोराबजी ने भाग लिया था। वर्ष 2007 में डॉक्टर एल एम सिंघवी का निधन हो गया। उसके बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी पंडित के एल मिश्रा स्मारक समिति की अध्यक्ष रहे। वर्ष 2004 में शताब्दी वर्ष समारोह के समापन के बाद समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक समारोह मुख्यतः प्रयागराज में आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों के साथ साथ देश के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेते रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आर सी लाहौटी का मार्च 2023 में निधन हो गया। वर्तमान में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सांसद राज्यसभा और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पंडित कन्हैयालाल मिश्र स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के सचिव संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जस्टिस रंजन गोगोई इस समिति की बैठक में भाग लेने प्रयागराज आए थे। आयोजित की गई यूपी के नहीं भारत के एक लेजिट थे, मशहूर वकील, very strong principles which is very relevant today, सिर्फ वकीलों के लाइफ में नहीं, समाज के लिए उनके आदर्श बहुत ही बहुमूल्य है। मेरा यस थॉट्स हिज मेमोरीज थ्रू दिस कमिटी I was honored to accept the offer of working in the committee as its president. The endeavor, koshish of the committee will be ki Pandit ji ke jo vichar the wo har ek nagrik tak pahunchaye aur जल्द से जल्द ये काम किया जाए, सो दैट नॉट ओनली लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, जजेस, बट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, बिजनेस पीपल, एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रेट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशंस दैट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड। एज आई हैव सेड, ही इज नॉट ओनली अ प्राइड ऑफ यूपी, ही इज अ प्राइड ऑफ द कंट्री and he deserves a very high place and he should be put by the committee through its efforts at the highest pedestal of public life. This is why I have come to Allahabad and I hope to come again and I am sure we will be able to cherish and fulfill the aims of Pandit ji. Thank you. कन्हैयालाल आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ और क्या डिसीजन लिया गया? ये कन्हैयालाल मिश्रा मेमोरियल कमेटी का गठन हुआ
कन्हैयालाल मिश्रा इलाहाबाद से हिंदुस्तान के बड़े वकील थे। ये ऐसे वकील थे जिनके ये जिन्होंने देश के करीब करीब सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनका अपीयरेंस था और बहुत व्यस्त थे। 1955 में ये पहले देश के वकील थे जिनको सीधे सुप्रीम कोर्ट जजी ऑफ़र की गई, बट इन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया कि हम जजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 17 साल तक डिफरेंट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल रहे। इनको ऑफ़र किया गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। 1969 में चरण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो राजनारायण कैबिनेट मिनिस्टर थे चरण सिंह की मुख्यमंत्री काल में। राजनारायण ने कहा, प्रपोज़ किया कि साहब गवर्नमेंट चाहती कि आपको हम एडवोकेट जनरल बनाए कन्हैयालाल जी को, बट कन्हैयालाल जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चरण सिंह जी कह रहे हैं कि अगर आप एडवोकेट जनरल नहीं बनेंगे तो एडवोकेट जनरल का पद हम नहीं भरेंगे। तो 6 महीने बाद प्रदेश सरकार के परसू करने पे उन्होंने एक्सेप्ट किया एडवोकेट जनरल का पोस्ट, जो प्रदेश का न्याय विभाग का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। कन्हैयालाल जी का स्टेचर बहुत बड़ा था। इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इनका फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट था। जाना होता था, बहस करते थे। देश के बड़े बड़े मुकदमे उन्होंने किए हैं। इंदिरा जी उनको बाबूजी कह के बुलाती थी। सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि द हाइट ऑफ कन्हैयालाल मिश्रा इज मोर हिमालयन हाइट है, उनके बराबर कोई हाइट नहीं था। इसके बाद हम लोगों ने 2003 में एक कमेटी बनाई कन्हैयालाल मिश्रा के मेमोरी में। वो डॉक्टर एल एम सिंघवी उसके पहले चेयरमैन हुए। डॉक्टर एल एम सिंघवी अपने आप में लीगल जैंट थे कंट्री के। वो 7 साल ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, सीनियर एडवोकेट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने कमेटी फॉर्म किया, तब मैं उनके साथ सेक्रेटरी था। और तमाम बड़े बड़े फंक्शंस आयोजन हुआ कन्हैयालाल जी को लेके उनके नाम पे। उनके निधन के बाद 2007 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फॉर्मर जस्टिस रमेश चंद लाहौटी, वो कमेटी के चेयरमैन हुए। और उसी क्रम में हम लोग ये फंक्शन करते रहे। और वर्ष 2023 में फरवरी में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रपोज़ किया जस्टिस रंजन गोगोई को और उन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष होने की स्वीकृति दी। आज कमेटी की मीटिंग थी कि आखिर कैसे हम लोग कन्हैयालाल जी के कैरेक्टर और वैल्यूज़ को, उनकी एलिजिबिलिटी को हम लोग कैसे फ्लोरिश करें कंट्री में, ताकि लीगल फैटेंसी से जो लोग जुड़े हैं वो उससे लाभान्वित हो। इसी को लेकर आज मीटिंग थी जिसके लिए जस्टिस रंजन गोगोई दिल्ली से इलाहाबाद आए थे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जोड़ेंगे और उनको एसोसिएट्स करके, और कन्हैयालाल मिश्रा के नाम पे तमाम लिटरेचर जो है उसको कलेक्ट करके एक बुक फॉर्म में लाएंगे, और उनके नाम पे न केवल इलाहाबाद में बल्कि प्रदेश के अन्य जगहों पे, अन्य प्रदेशों में भी उनके नाम के मेमोरियल फंक्शन होंगे और उनके लिटरेचर को हम लोग देंगे, जिससे नई जनरेशन स्पेशली जो लोग जाने और उनके वैल्यूज़ को समझें और सीखें। ठीक, थैंक यू।